तो दोस्तों रॉबर्ट मर्टन का हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं अभी, वो है अबाउट थियोरी ऑफ डेवियंस या थियोरी ऑफ एनोमी। ये डिवियंस से इनका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर थियोरी से वो चाहते क्या हैं बताना, इसको हम क्विकली एनालाइज करेंगे इस वीडियो में कि ये पर्टिकुलर थियोरी एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थियोरी जो आपको बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जा चुकी है अपने यूपीएससी में। तो डेवियंस एनोमी से क्या समझते हैं, पहले आप सिंपली बात समझो कि डिवियंट होता कौन है, जो बस सही बताए हुए राह पे नहीं चल रहा। तो अब ऐसा भी हो सकता है ना, जो बताया हुआ राह है वो ही सही ना हो, है ना, तो उस पर मैं क्यों चलूँ। तो लेकिन जनरली जो समाज कह रहा है कि ये सही राह है चलने के लिए, तो उस पर आप नहीं चलते, आप डेवियंट कहलाते हो, है ना, ऐसा है बात सही। लेट्स से आपके परिवार में सभी लोग अगर जॉब करते हैं और आप नहीं करते तो आप डिवियंट कहलाते हो। आपके परिवार में सभी लोग ब्यूरोक्रेट हैं और आप कह रहे हो मुझे नहीं बनना, मुझे टीचिंग करनी है, मुझे ऑनलाइन में यूट्यूब में स्लीपी क्लासेस खोलनी है, आप डिवियंट कहलाओगे। जैसे मुझे मेरे परिवार के लोग कहते हैं कि आप ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक सिंपल सी आपको ये बात यहाँ पे समझ आ रही, डिवियंट हो सकता है कि आप देखो जैसे मैं यहाँ यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ अगर एक, तो क्या मैं कुछ गलत काम कर रहा हूँ? नो, दैट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, कि डिवियंस डज नॉट ऑलवेज मीन क्रिमिनल एक्ट कर रहे हो आप। तो बस जो समाज कह रहा है उस तरह नहीं चलोगे तो आप पक्का ही पक्का डिवियंट कहलाओगे। तो आपको इसको देखो क्विकली कैसे कैसे समझ सकते हैं, दो तीन यहाँ इंपॉर्टेंट आपको मैं डायलॉग्स बता रहा हूँ जो आपको पेपर में लिखोगे अच्छा फायदा होगा। जैसे पहला कि जैसे कि पहले तो चलो ये देखो थियोरी कहाँ दी कहाँ पे डिवियंस या एनोमी की, स्पेलिंग चेक कर लेना क्योंकि वेरियस बुक्स में डिफरेंट तरह से हैं, कहीं कहीं पे ई आई भी लिखा होता है। तो पहला है जैसे सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी, किताब है इनकी, एंड देन सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, दोनों ही जगह इन्होंने डिवियंस की बात की है ठीक ठाक, ठीक है, और हमारे यूपीएससी के सिलेबस में भी ये मैंशनड है। ओके, आगे डिवियंस को आप डिफाइन कैसे करोगे, डिवियंस इज नॉन कन्फॉर्मिटी टू नॉर्म्स एंड पॉलिसी, जो सामाजिक जो नॉर्म चल रहे हैं। नॉर्म देखो, नॉर्म वर्ड इटसेल्फ से एक बहुत ही अच्छा वर्ड निकला हुआ है, नॉर्मल, जो नॉर्म फॉलो करता है वो नॉर्मल इंसान होता है। नॉर्म फॉलो नहीं करोगे आप नॉर्मल नहीं कहलाओगे, आप डिवियंट कहलाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे चलो एक आपके एक गॉफमैन करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशोलॉजिस्ट रहे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इंसिडेंटली हमारे सोशो में के अभी यूपीएससी का पार्ट नहीं है वो, लेकिन आप कभी अपने फ्री टाइम में इनको पढ़ सकते हैं, अरविंद गॉफमैन इनका नाम है, अरविंद गॉफमैन, ये बहुत ही अच्छी हाई फाई बातें लिख गए बहुत सिंपल तरह से। तो अरविंद गॉफमैन क्या कहते हैं, वी ऑल आर सोशली डिवियंट, कहते एक ना एक तरह से हमने वो सब बात की है कभी ना कभी जो समाज के कहे अनुसार सही नहीं थी, हमने की है, लेकिन वो कह रहे हम सभी कभी ना कभी तो डिवियंट हैं। ओके, चलो ये तो चलो डायलॉग है, बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट आप सबके लिए, फैक्ट कह रहा ये एक बहुत अच्छी लाइन है जिसको आप लिख सकते हो पेपर में, कि हम जो अगर देखें समाज में जितने भी क्रिमिनल एक्ट्स हैं, क्रिमिनल एक्ट्स कौन से हैं, वो जो डिवियंट हैं, जितने भी क्रिमिनल एक्ट्स हैं वो डिवियंट हैं। किसी का मर्डर कर देना, लेट्स से एक रेप का केस है, चोरी करना, ये सभी के सभी क्रिमिनल एक्ट्स हैं, ये डिवियंट हैं, आम लोग नहीं करते, नॉर्मल लोग नहीं करते। लेकिन एट द सेम टाइम जो सभी डिवियंट एक्ट्स हैं वो क्रिमिनल नहीं है, नॉट ऑल डिवियंट एक्ट्स आर क्रिमिनल, ठीक है, ऑल क्रिमिनल एक्ट्स आर डिवियंट बट नॉट ऑल डिवियंट एक्ट्स आर क्रिमिनल। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल लिया कि आपके परिवार में अगर सभी लोग जॉब करते हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि आपको सरकारी बाबू बनना चाहिए, और आप कह रहे हो मुझे नहीं मुझे टीचर बनना है, तो आप डिवियंट हो गए, आप अपने परिवार के नॉर्म्स के खिलाफ जा रहे हो, लेकिन आप क्रिमिनल ही बन जाओगे ना, यू विल नॉट बिकम अ क्रिमिनल। तो इसीलिए ये हमेशा डायलॉग बहुत ही अच्छा डायलॉग है, आपको बहुत ही सारी बातों को ये क्रक्स निकाल के लाता है कि सभी के सभी क्रिमिनल जो एक्ट्स हैं वो डिवियंट हैं, बट लेकिन सभी डिवियंट एक्ट्स क्रिमिनल नहीं है। ओके दोस्तों, सो चलो आगे बढ़ते हैं यहां से कहानी। तो इस पे बहुत सारी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज हैं, डिवियंस पे, एनोमी पे, आपने डर्कहाइम की थ्योरी पढ़ी है पीछे, एनोमी की बात करते हैं वो, है ना, जो कहीं ना कहीं जब वो बोलते हैं कि सुसाइडोजेनिक फोर्सेस की बात करते हैं तो बोलते हैं कि एनोमी का मतलब क्या होता है, कि नॉर्मलेसनेस हो जाना, नॉर्म्स को फॉलो ना करो, एनोमी कहलाती है। तो इसको आप पर्टिकुलर, लेकिन मैं चाहता हूं आप इस पर्टिकुलर बात पे और थोड़ा सोचो एंड पॉज करके सोचो, चाहे जैसे आफ्टरवर्ड सोचना क्लास के, तो लेकिन इसका सोचना, बहुत ही अच्छी बात की है मर्टन ने। अब आगे यहाँ पे, अब डिवियंस होती क्यों है, समाज में लोग डिविएट क्यों कर जाते हैं अपने नॉर्मल पाथ से, इसके मर्टन ने कुछ कारण दिए, हम जान लेते हैं क्या क्या कारण दिए। पहला बोलते हैं कि सब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक है, सब कल्चरल मतलब कि लेट्स से एक ही ब्रॉडर सोसाइटी है, इसमें एक ही छोटी सोसाइटी एग्जिस्ट करती है, इस सोसाइटी में लेट्स से मान लो कि कुछ किसी को आपका जो जो जीने का तरीका है दैट इन्वॉल्व्स लेट्स से
किसी को मीट के काट के, जैसे ना वो क्या बोलते हैं, कसाई, हाँ कसाई होना, जैसे मान लो ये जो पूरी कम्युनिटी है ये कसाई कम्युनिटी है, ये अपना ऐसे काट पीट के खाते हैं, लेकिन मान लो ब्रॉडर जो सोसाइटी है ये मान लो ये ब्राह्मण सोसाइटी है ना, इनके लिए ये जो कसाई सोसाइटी बीच में रहती होगी, सब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जहाँ पे इस कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा कि आपने वो उठाया कोई भी लेट्स से लाइव एनिमल, आपने काटा खा लिया, आपको कोई कोई कॉम ही नहीं है, आपने कोई बुरा फील ही नहीं किया, क्योंकि आपके आपने देखा है बचपन से ऐसा होता हुए, आपने अपने पिताजी को देखा ऐसे करते हुए एंड ग्रैंडफादर को देखा है, आपको कोई कॉम ही नहीं है, ऐसे गलत कर रहे हो। लेकिन ब्राह्मण कम्युनिटी में जब ये कोई यहाँ का बंदा बाहर जाएगा तो ये कहेंगे भाई, ब्राह्मण कहेंगे ये क्या हो गया, कौन आ गया कि ऐसे कैसे कर रहा है, ये नॉन वेजिटेरियन को इतना कोई कॉम्स ही नहीं है, किसी को मार के खा लिया। तो ये सब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है कि जो एकदम से कोई पर्टिकुलर एक कल्चर से निकल के ब्रॉडर कल्चर का पार्ट बना एंड वहां जाके ये सब लोग इसको डिविएंट मानना शुरू कर दें, इनको पता ही नहीं चलेगा ये गलत क्या कर रहे हैं। तो जो मेजरली जैसे आप इसको लिख सकते हो कि कहां पर, जैसे जब लोग गांव से शहर आते हैं एंड उनको कल्चरल शॉक मिलता है बहुत बड़ा, कि लेट्स से वहां पे काफी लड़कियां काफी ओपनली घूम रही हैं एंड लेट्स से जैसे दिल्ली वगैरह में लेट्स से आप आओ, एक बहुत बड़ा कल्चरल शॉक क्या होता है कि लड़कियों के कपड़े काफी उनको डिफरेंट लगते हैं एंड लेट्स से उनको स्मोकिंग करती हुई लड़कियां मिलती हैं, तो कल्चरल शॉक है। अब इसका क्या उनको क्या लगता है, ऐसे ना देखो ये ना आप पर्टिकुलर इंटरव्यू में पूछा जाता है एंड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वॉज आस्क्ड टू मी वंस इन एन इंटरव्यू कि रीज़न क्या है, कि रीज़न क्या है कि जैसे जब दिल्ली रेप केस के आसपास की बात है कि जो निर्भया केस हुआ था, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर, ऐसे लगता है कि एक क्लास के लोग, क्लास का मतलब समझते हो आप, क्लासेस, एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक क्लास के लोग ही ऐसा क्राइम क्यों करते हैं। तो आप वहाँ पे मर्टन की थ्योरी लगा सकते हो कि सर ये सब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, कि एक कैरेक्टरिस्टिक है जो एक पर्टिकुलर कल्चर का पार्ट है, जहां पर वो लड़कियों को लेट्स से पैट्रियार्की बहुत स्ट्रांग है, लड़कियों को इतना ओपनली नहीं देखते वो, एंड देन यहां पर आप इसको थोड़ा इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि मर्टन मॉर बहुत आपको पेपर में इंप्लीमेंट करवाते हैं वो। तो जैसे आप बोल सकते हो कि उसके बाद जैसे ही जब ये लोग आमने सामने होते हैं विद अ वेरी ओपन सोसाइटी, तो वहां पर इनको लगता है कि पेट्रियार्की इज गोइंग डाउन, ठीक है, एंड कि एंड देन दे वांट टू असर्ट इट बैक। तो इसीलिए जैसे जो अब ये एक आपने आर्टिकल जाके सर्च कर सकते हो कि रेप इंसिडेंटली टर्न्स आउट टू बी व्हाट, टर्न्स आउट टू बी अ पावर क्राइम, रेप इज नो मोर वन ऑफ दोज क्राइम्स, जहां पर लेट्स से आप बात करते हो कि सेक्सुअल क्राइम ना रखे वो पावर क्राइम हो जाता है, कि असर्ट करने के लिए कि यस कि आई एम मेल एंड आई एम मोर पावरफुल देन यू आर, तो इसीलिए रेप पावर क्राइम। क्योंकि आपने इसका एक हमें जो एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ एक बार वीना दास ने, एंड वो कहते हैं कि ना इंसिडेंट्स देखो अगर आप, कि जो ये रेप कैसे हो रहा है कि बहुत सारे लोग इसको गैंग रेप बोलते हो, बहुत सारे लोग इकट्ठे होके रेप कर रहे हैं किसी लड़की का, कहीं ना कहीं वो असर्ट कर रहे हैं कि ना हम बहुत सारे इकट्ठे हैं एंड वी कैन ओवर पावर यू। तो वो कह रहे हैं कि गैंग रेप का जो इंसिडेंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, इंडिविजुअल रेपिंग अनदर इंडिविजुअल, कहते हैं ये इंसिडेंट्स काफ़ी घट गए हैं, गैंग रेप के बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं पावर वाला जो एंगल है इट सीम्स राइट। अकेडमिक तरह से देख रहे हैं हम पर्टिकुलर किसी तरह को डिविएंट एक किसी चीज़ को, क्राइम को, तो मर्टन आपको आएगा। ये मर्टन को आपने करप्शन के पे भी आपको सवाल पूछ चुके हैं, ये 2013 या 14 के किसी मेंस में था कि डेवियंस को आपने करप्शन पर लगाना था, विमेन के खिलाफ क्राइम पे पूछ चुके हैं आपको। तो ये मर्टन इज वन ऑफ दोज थिंकर्स जो आपको बार बार इंप्लीमेंट कराएंगे। इसलिए मैं यहाँ रुक के आपको थोड़ा टाइम चाहता हूँ बताना कि थोड़ा सा करना कि वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वालों की जो लड़ाई चलती है सब कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक है, एक कल्चर से निकल के दूसरे कल्चर में जाते हैं तो कल्चरल शॉक होता है कि दूसरे वालों के लिए, एंड दैट इज वन ऑफ दोज रीजंस जहां पर यहां पर ये टेंशन हो जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, डिवियंस का रीजन इज फॉल्टी सोशलाइजेशन, कि सोशलाइज ठीक से नहीं किया, जो बाकी लोग जिस तरह से सोशलाइज कर रहे थे आपने ठीक तरह से उस तरह से सोशलाइज नहीं किया, आपकी सोशलाइजेशन वॉज डिफरेंट, तो उस तरह से भी आप समाज के तरीकों को समझ नहीं पाओगे एंड यूल एंड अप बिकमिंग अ डिवियंट। देन पेरेंटल डिप्रीवेशन, क्योंकि देखो ये टैलकट पार्सन्स ने भी कहा, बहुतों ने कहा कि हम फैमिली के चैप्टर में देख लेंगे क्विकली, कि पेरेंट्स का एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या है। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, सोसाइटी किसी ने देखी थोड़ी है, सोसाइटी कहाँ पर है, सोसाइटी बैठी है दुनिया में कहीं पर, है ना, सोसाइटी का औरों के लिए आप सोसाइटी हो, है ना, आपके लिए और लोग सोसाइटी हैं, सोसाइटी होती क्या है कभी किसी ने देखी नहीं, ऐसे नहीं कि ये चलती हुई जा रही है सड़क पर सोसाइटी जा रही है, सोसाइटी तो होती है कुछ चीज़, बस होती है, हमने किसी ने देखी नहीं कभी। एंड देन एक आपकी फैमिली होती है, फैमिली में आपके पेरेंट्स हैं एंड आप एक इंडिविजुअल हो,
तो सोसाइटी आपसे इंटरैक्ट कैसे करती है? थ्रू योर पेरेंट्स। आपको पेरेंट्स के थ्रू, पेरेंट्स आपको नॉर्म्स देते हैं आप जब छोटे होते हो कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना, सोशलाइज कराते हैं। एंड किस तरह से कि आप ऐसा करें, जैसे एक स्टैंडर्ड सी चीज़ जो मैंने बहुत विटनेस करी है कि जो पेरेंट्स बचपन में क्या सिखाते हैं कि अगर किसी के घर जाओगे तो ये मत खाना, ऐसा मत करना, किसी कुछ मांगना मत, लेट्स से कोल्ड ड्रिंक आएगा तो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पर अटैक मत करना एकदम से। तो ये छोटी छोटी बातें पेरेंट्स सिखाते हैं कि सोशलाइज करना सिखा रहे हैं आपको। एंड टैलकॉट पार्सन्स और जो हम जो पढ़ेंगे उसमें गूड वगैरह बहुत सारे लोग हैं वो सब बोलते हैं कि पेरेंट्स का ही ये रोल माना गया है ऑटोमेटिकली कि सोसाइटी ने दे दिया कि पेरेंट्स को कि अपने आप की बताओ किस तरह से हम चाहते हैं आपके बच्चों को बिहेव करना, आप अपने बच्चों को बता देना। अगर पेरेंट्स ही ना हो, अगर पेरेंटल डिप्रिवेशन हो जाए तो बहुत लाइकलीहुड है कि जो बच्चे होंगे वो डेवियंट होंगे एंड जिस तरह से सोसाइटी चाहती है बात करना वो बच्चों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि पेरेंट्स बीच में जो कॉन्डोइट थे, जो पेरेंट्स के थ्रू सोसाइटी बात कर रही थी वो बच्चों को पता ही नहीं चली क्योंकि पेरेंट्स थे ही नहीं। एंड देन डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से एक ही परिवार में रहते हैं और जो भाई स्कूल पढ़ने जा रहा है बहन घर के काम कर रही है, तो डिफरेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ से भी आप डिवियंट बन जाते हो कि मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है। और आप एक तो चलो परिवार की बात है, आप चलो देखते हो लेट्स से कि आप एक ने आपने एक लेवल की पढ़ाई करी और आपके साथ वाले ने भी एक लेवल की पढ़ाई करी, लेकिन जस्ट बिकॉज लेट्स से वो अमीर था, उसके कॉन्टैक्ट से नेटवर्क था, उसका उसका जो सक्सेस आराम से आ गया, आपका नहीं आया, तो आप डिवियंट बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऐसा मर्टन बोल रहे हैं और विच इज़ क्वाइट ट्रू। एंड देन मर्टन क्या बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि ये हमेशा डिसफंक्शनल हो, कि डिवियंस हमेशा बुरी चीज़ हो, हो सकता है कि ये इनोवेशन लेकर आए, कुछ नया तरीका निकाले। तो इसीलिए डर्खाइम, लेकिन जैसे डर्खाइम भी बोलते हैं इसी बात को आगे प्रूव करते हुए डिसफंक्शन वाली, कि एक पर्टिकुलर रेट ऑफ क्राइम तो नॉर्मल है सोसाइटी में, एक जो जैसे आप इमेजिन करो कि जब जैसे लेट्स से कि ऐसा नहीं ना हमारे देश में कोई रेप नहीं हो रहे तो के उसके और रेप नहीं हो रहे, एकदम से एक रेप हुआ लोगों ने शोर मचा दिया, नहीं होते जा रहे हैं रेप। आप जो पढ़ते हो एनसीआरबी का डेटा पढ़ते हो वगैरह वगैरह, जिसमें आपने बात की है कि ये इतना रेट ऑफ क्राइम तो होता ही होता है। तो लेकिन जब कोई मेजर इंसिडेंस होता है जहां पर वो रेट आपको लगता है ब्रीच हो रहा है कि अब ये रेट को बात क्रॉस कर गई है, तो लोग सड़कों पर आ जाते हैं, वापस उसको रेट को नॉर्मल रिस्टोर करते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए डरखाइम क्या बोलते हैं कि हम जीरो तो कर ही नहीं सकते बहुत सारी चीजों को, कि इवन की क्राइम भी इज अ पार्ट ऑफ सोशल जो फंक्शनल फंक्शनिंग, कि सोशल फंक्शनिंग का पार्ट ही है क्राइम, ये होगा ही होगा, आप इसको जीरो नहीं कर सकते, बस आपको आप इसको कांस्टेंट कर सकते हो। तो इसीलिए अकॉर्डिंगली पॉलिसीज भी बहुत सारी जो कंट्रीज की बदली कि क्राइम को कांस्टेंट करने की ट्राई है, जीरो तो कर ही नहीं सकते। ओके, तो इसलिए डिवियंस को जीरो करने की बात नहीं है, जीरो डिवियंस को हम क्या कह रहे हैं कि समझने की बात है। इसीलिए अब मर्टन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक जो आपको यहाँ पे एक टेबल आएगा वो टेबल समझने की ट्राई करनी है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टेबल है, उसको पेपर में बनाओगे तो बहुत सारी बातें एक टेबल से ही समझा दोगे आप। हर एक किताब में छपा हुआ है, आपने हर लंबस में छपा हुआ है, जो भी उठाओगे आपको हर जगह मिलेगा ये। एंड वैसे मर्टन इसको डिफाइन भी करते हैं डिवियंस को, एक क्विक डेफिनेशन देख लो कि मर्टन हाउ डज ही डिफाइन इट। वो बोलते हैं कि ये डिस्क्रिपेंसी है, डिवियंस इज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन कल्चरली डिफाइंड गोल्स, इसको कोर्ट्स में डाल देना, कल्चरली डिफाइंड गोल्स, जो कल्चर जो गोल सेट कर रहा है कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए या नहीं बिहेव करना चाहिए, जो गोल्स हैं, एंड स्ट्रक्चरली अवेलेबल मीन्स। तो ठीक है जी, स्ट्रक्चरली अवेलेबल, यहाँ पे अवेलेबल प्लीज ऐड कर देना एक वर्ड, स्ट्रक्चरली अवेलेबल मींस जो आपको गोल अचीव करने हैं उसके लिए आपको क्या क्या जो मींस अवेलेबल कराए गए, ठीक है। तो अगर उसमें डिस्क्रिपेंसी आ जाए तो उसको डिवियंस कहा जाता है, ठीक है। आपको गोल था लेट्स से अमीर बनना, अमीर कैसे बनना, आपने मेहनत करके बनना है, पढ़ाई लिखाई करके, लेट्स से आपने चोरी चकारी शुरू कर दी तो आपने क्या किया, आपने बोला कि मेरे पास तो यही अवेलेबल मींस है, गोल मैंने अचीव कर लिया, लेकिन जो मींस आपके नहीं अचीव किए उसमें डिस्क्रिपेंसी आ गई तो आप डिवियंट कहलाओगे। ओके, तो मर्टन और डरखाइम को भी एक बार क्विकली एनालाइज कर लेते हैं, और डिवियंस नॉमी भी क्या बोलते हैं, ठीक है। दोनों कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम मानते हैं कि नॉर्मेटिव ऑर्डर में जो नॉर्मल होना चाहिए ऑर्डर वो उस तरह से काम नहीं चल रहा, उसमें प्रॉब्लम मानते हैं। एक बार क्विक एनालिसिस देख लो कैसे, दो तीन पॉइंट्स ही हैं बस। जैसे डरखाइम बोलते हैं कि टेम्प्ररी है, कि टेम्प्ररी करंट्स हैं, कि लोग एकदम से बहुत ज़्यादा जो रेट क्रॉस होता है तो वापस उसको नॉर्मल पर रिस्टोर कर देंगे, टेम्प्ररी है। मर्टन कहते नहीं, ऐसा नहीं है,
ये डिस्क्रिपेंसी है जो डिजायर्ड गोल्स और अवेलेबल मींस के बीच में एक डिस्क्रिपेंसी आ गई, लोगों को जरिया सही नहीं मिलता तो वो डिवियंट हो जाते हैं। तो ये कह रहे हैं इसलिए टेम्परेरी नहीं, ये परमानेंट फीचर भी हो सकता है हमारे समाज का। तो इसीलिए जो डर्खाइम का एक और पॉइंट क्या है कि सोशल करंट्स हैं कि आते हैं और चले जाते हैं, करंट्स की तरह जैसे आता है चला जाता है, ऐसा नहीं परमानेंटली है। तो ये कह रहे और मर्टन इसी के कंट्रीब्यूशन में बोलते हैं कि या फिर इसके लगा लो आप कि इट इज नॉट अ वेरी टेम्परेरी फिनोमेना, इट्स अ परमानेंट फिनोमेना। एंड डर्खाइम आगे बोलते हैं कि इट इज अ वेव ऑफ एंथुजियाज्म या डिस्ट्रेस, परमानेंट नहीं है, अगेन वही बात। एंड मर्टन बोलते हैं कि इट इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी सोसाइटी, हर समाज में एज अ स्ट्रक्चर एक चीज एग्जिस्ट करती है एंड दैट इज व्हाट डिवियंस, हर एक समाज में डिवियंट बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है वो क्रिमिनल होंगे लेकिन डिवियंट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थोड़ी से ध्यान रखना, एक दो पॉइंट्स हैं, इसको हम अपने क्वेश्चंस में हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन आप फिलहाल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कि टेम्परेरीनेस पे एंड परमानेंस पे जो दोनों का जो डिफरेंस नजर आता है हमें, ये बात आप प्लीज नोटिस करके रखना। ओके, अब ये एक टेबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल, मैं आपको समझाता हूँ एंड इवन यू विल स्टार्ट लविंग इट कि मर्टन ने बहुत ही अच्छा काम किया। देखो पहले समझो कि गोल्स की बात, मर्टन बोलते हैं ना जो अपने गोल्स अचीव करने हैं उसके लिए क्या क्या मींस अवेलेबल है, तो उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे कि बहुत तरह के लोग बनते रहेंगे। पहला देखो, जो गोल अचीव करने समाज ने बताया भाई ये आपके ये गोल है, ठीक है, उस पर आपका अग्रीमेंट है। प्लस का मतलब क्या होगा कि मैं अग्री करता हूं कि हाँ ठीक है, माइनस का मतलब है कि मैं डिसअग्री करता हूं, आई डू नॉट अग्री, मैं कुछ और रास्ता अपनाऊंगा। ठीक है ओके, तो जरा इसको हटा दे, चलो जो भी है। तो कॉन्फॉर्मिस्ट क्या, कॉन्फॉर्मिस्ट यहाँ पे ओ लगा देना, कॉन्फॉर्मिस्ट क्या होते हैं कि जो समाज ने गोल डिसाइड किए और जो समाज ने तरीके बताए दोनों पर ही अग्रीमेंट दिखाया, क्या हो गया आप कन्फॉर्मिस्ट, आप कॉन्फॉर्म करते हो, यू कॉन्फॉर्म, आप अग्री करते हो सब कुछ से, गोल्स एंड मीन से। जो समाज ने गोल बताया वो तो आपने अग्री किया, एट द सेम टाइम आपने मींस पे अग्री नहीं किया, नहीं मुझे ये तरीका समझ ये ठीक नहीं लग रहा। जैसे लेट्स से आपको जैसे सबने बोला कि आप ब्यूरोक्रेट आईएएस बनो, समाज में बहुत इज्जत मिलती है, धन दौलत की बहुत आपको प्राप्ति होगी, आप बोलते नहीं ये मुझे गोल तो मंजूर है, तरीका मुझे ब्यूरोक्रेट बन के नहीं, लेट्स से मुझे बिजनेसमैन बनना है, मुझे कुछ और बनना है, उस तरह से मैं करूँगा अपना जो लाइफ में सक्सेस प्राप्त। ठीक है, तो आप क्या हो, इनोवेटर। तो यहाँ पे इसको इनोवेटर भी बोल सकते हो आप, इनका नाम इनोवेटर होता है। ये दो तरह के लोग हैं, एक तो हैं साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट या और मर्टन क्या बोलते हैं, एक तरह के लोग कौन से, क्रिमिनल्स। ये प्लीज़ आप दोनों लिख के रखना, जो कौन से लोग हैं, एक हैं साइंटिस्ट एक हैं क्रिमिनल्स। ओके, तो इनोवेटर ये नया रास्ता निकालते हैं कि हो सकता है ना अमीर बनने के लिए आप बैंक लूट लो तो आप अमीर तो हो जाओगे लेकिन आप क्या कहलाओगे, क्रिमिनल। अदरवाइज आपने कुछ नया कुछ बनाया, एंटरप्रेन्योर बन गए आप तो आप साइंटिस्ट कहलाओगे। ठीक है ओके, तो देन अब अगला इंपॉर्टेंट बहुत कि अचीव क्या करना है कुछ नहीं पता, डिसएग्रीमेंट एंड तरीके लेकिन पता है हाँ कि मैं इस तरह काम करूंगा, कि जो गोल क्या है गोल बिल्कुल भूल चुके हो आप लेकिन तरीके याद है। ये क्या कहते हैं इनको, रिचुअलिस्ट। और सबसे इसका क्लासिकल एग्जांपल मर्टन का एक ऐसे है, इतना जबरदस्त ऐसे, वो क्या बोलता है कि कौन है रिचुअलिस्ट दुनिया में सबसे बड़े, वो बोलता है ब्यूरोक्रेट्स, जो ब्यूरोक्रेट्स आर द बिगेस्ट रिचुअलिस्ट, रिचुअलिस्ट्स। कैसे, कहते हैं क्या अचीव करना है उनको, जनता का भला, कहते भूल चुके हैं कि जनता का भला क्या है, हाँ रूल्स कौन से फॉलो करने हैं, कहाँ साइन करवाने हैं, कहाँ अंगूठा लगवाना है, इसकी परमिशन लेकर आओ, वो करो, कहते हैं हाँ वो सब इनको याद है, वो मींस इनको याद है लेकिन अचीव क्या करना है वो भूल चुके हैं, रिचुअलिस्ट। जैसे बहुत ऑफन आप देखते हो कि बहुत सारे लोग मंदिर गुरुद्वारे वगैरह में मत्था टेकते रहते हैं एंड उनको पूछो मत्था क्यों टेक रहे हो, उनको ये नहीं पता क्यों टेक रहे हैं लेकिन बस क्या वो रूल फॉलो कर रहे हैं कि अंदर ऐसे ढक कर आना है, अपना अपना सर ढक कर आना है और पाँव से जूते उतार कर आने एट्सेट्रा एट्सेट्रा, और ये खाना है ट्यूजडेज को वो नहीं खाना, जो भी है बहुत सारे मींस सभी याद है लेकिन क्या अचीव करना है वो भूल चुके हैं, रिचुअलिस्ट्स। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेट्स मर्टन के वर्ड्स में आर द बिगेस्ट रिचुअलिस्ट ऑन दिस प्लैनेट। ओके, एंड देन अपने आते हैं कि हमें आपके गोल्स भी नहीं चाहिए समाज के, हमें आपके तरीके भी नहीं चाहिए, ना गोल्स ना तरीके, वो है रिट्रीटिस्ट। जैसे आपके संत महात्मा लोग, ड्रग एडिक्ट्स, ये मर्टन के ही एग्जांपल्स हैं, ड्रग एडिक्ट्स है ना, एंड जो जिनको ये क्या बोलते हैं एथीस्ट्स, सॉरी एथीस्ट नहीं, आई एम सॉरी एसेटिक्स,
असेटिक्स क्या होते हैं, जो सबको छोड़ छोड़ के चले जाते हैं सन्यास लेकर, सन्यासी को असेटिक्स बोलते हैं। तो असेटिक्स, ड्रग एडिक्ट्स, इनको ना तो इनको कोई मीन से मतलब है ना गोल्स से मतलब है, ठीक है, दोनों को ही ये रिजेक्ट कर देते हैं। दे रिजेक्ट दीज एंड देन आर रिबिलियंस। रिबिलियन कौन है कि पहले ये रिजेक्ट करते हैं सामाजिक गोल्स एंड सामाजिक तरीके, कि ये तरीका ना हमें तरीका मंजूर ना आपके गोल्स मंजूर, हम कुछ नया क्रिएट करेंगे, विल क्रिएट आर न्यू गोल्स एंड विल क्रिएट आर न्यू मीन्स। तो ये कहलाते हैं रिबिलियन। तो ये पांच तरह के तरीके मैं क्विकली रिपीट कर रहा हूं कि ठीक है, प्लस का मतलब क्या होगा कि हम एक्सेप्ट करते हैं या अग्रीमेंट में हैं, एक्सेप्ट या अग्रीमेंट। माइनस का मतलब क्या होगा, या हम डिसअग्री करते हैं या वी आर नॉट इन अग्रीमेंट आपके साथ। तो कन्फॉर्मिस्ट कौन है, जो गोल्स में अग्री भी करते हैं, मींस में अग्री करते हैं। एंड देन इनोवेटर्स कौन है, यहां पे इसको थोड़ा रब करने के बारे, गोल्स में अग्रीमेंट एंड मींस में अग्रीमेंट। कन्फॉर्मिस्ट गोल्स में तो अग्रीमेंट है लेकिन मींस में नहीं, वो इनोवेटर्स। दो तरह के लोग थे, साइंटिस्ट एंड क्रिमिनल्स। एंड देन गोल्स भूल चुके हैं, मींस याद है, वो कौन है जनरली, एग्जांपल क्या लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। एंड रिट्रीटिस्ट कौन है, जो गोल्स भी नहीं मानते एंड मींस भी नहीं मानते, जैसे ड्रग एडिक्ट्स एंड एसेटिक्स। एंड रिबिलियन कौन है कि एक बार फर्स्ट दे विल रिजेक्ट बोथ द गोल्स एंड द मींस एंड देन दे विल एंड अप क्रिएटिंग न्यू गोल्स एंड न्यू मींस फॉर द सोसाइटी। दीज आर रिबिलियंस, रेवोल्यूशनरीज, है ना, फ्रीडम फाइटर्स। तो ये सभी लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये छोटा सा बहुत ही अच्छा एक टेबल है, बहुत कुछ आपको बयां करता है। एंड एग्जाम्पल्स के साथ इसको बताओ एंड यू विल एंड अप क्रिएटिंग वेरी गुड आंसर्स। तो मर्टन इसमें और भी ऐड करते हैं कि हर एक तरह की डिवियंस में भी कुछ कन्फॉर्मिटी है। लेट्स से अगर आप बोल रहे हो कि आपको अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ नया कुछ क्रिएट करना है, तो आपको एक तरह का कुछ एक तरह की जिंदगी जीनी पड़ेगी आपको, वो भी आप उस तरह की जिंदगी से कन्फॉर्म कर रहे होगे। तो मर्टन बोलते हैं कि इसीलिए जो डिवियंट भी परफेक्टली डिवियंट नहीं होती कभी, उसमें कुछ ना कुछ आप कहीं ना कहीं अग्री कर रहे होते हो। जो चोर होता है उसको भी लेट्स से रात को ही चोरी करता है जनरली मोस्टली, क्योंकि उसको कन्फॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज दिन में करेगा पकड़ा जाएगा, है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि एंड डिवियंस, पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट है कि डिवियंस कैन बी फंक्शनल कैन बी डिसफंक्शनल, कि समाज के लिए अच्छा काम करे बुरा काम करे। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें थी। एक अपना लास्ट छोटा सा टॉपिक रह गया रेफरेंस ग्रुप का, तो रेफरेंस ग्रुप विल कवर वेरी रैपिडली एंड तो और दैट विल एंड द चैप्टर ऑफ मर्टन। एंड देन हमारे एक छोटे से थिंकर आ जाएंगे, वो हैं कौन से, जॉर्ज हर्बर्ट मीड। देन विल एंड आर ऑल आर थिंकर्स एंड देन विल मूव ऑन टू फैमिली एंड देन रिलीजन। फैमिली एंड रिलीजन बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत रैपिडली कवर करने की ट्राई करेंगे हम, ठीक है। एंड उसके बाद एक रह जाएगा अपने पास जो चैप्टर है, वो है अपने वो दैट इज ऑफ डेवलपमेंट एंड वेरियस थियरीज रिलेटेड टू डेवलपमेंट, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में, बहुत रैपिडली कवर करने की ट्राई कर रहे हैं हम। तो आप भी साथ साथ नोट्स बनाते रहो और जो कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो नीचे कमेंट्स में पोस्ट करो। जनरली आपस में ही आप बहुत सारे लोग हो अब तो, और काफ़ी आपस में सुलझा लेते हो सामान। कोई डाउट होता है, डाउट आप अगर लिख दो कोई दूसरा बंदा गूगल करके समझा देगा। मैं ट्राई करूँगा बहुत ऑफन कि मैं यहाँ आके आपको आपके डाउट्स आपके रिजॉल्व करूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अ लॉट।